बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है तो एल्टीट्यूड ऑफ ए कॉन इज 20 सेंटीमीटर एंड इट सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। इफ द सेमी वर्टिकल एंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर सेकेंड देन द रेडियस ऑफ द बेस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 ऑप्शन आर गिवन। अगर हमारा जो वर्टिकल एंगल है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस किस रेट से इंक्रीज होगी हमें फाइंड आउट करनी है। एक हमारे पास कोन है, कोन बना लेते हैं। लेट सपोज ये है हमारा कोन, दिस इज अवर कोन, एंड इसकी जो हाइट है एल्टीट्यूड, ये जो एल्टीट्यूड हमें गिवन है ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। सेमी वर्टिकल एंगल, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, और लेट सपोज रेडियस कितनी है इसकी आर के इक्वल है। इसको हम थीटा ले लेते हैं, ये हमारा कितना है थीटा है, बिकॉज ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, दिस इज अवर थीटा, और इस हाइट, ये हाइट है हमारी 20 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ऑफ ए कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। अगर सेमी वर्टिकल एंगल हमारा इंक्रीज करे तो रेडियस किस रेट से इंक्रीज होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें, इस ट्रायंगल के अंदर लेट सपोज दिस इज ए बी सी, सो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है, थीटा द सेमी वर्टिकल एंगल एंड आर बी द रेडियस ऑफ कोन एट टाइम टी पर है हमारे पास। तो टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आर अपॉन 20 के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू कितना जाएगा 20 टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा 20 टेन थीटा। अब हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना जाएगा 20 इंटू में sec स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा अपॉन dt। अगर d थीटा, थीटा हमारा किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 2 डिग्री पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस हमें बतानी किस रेट से इंक्रीज होगी। तो दिस इंप्लाइज dr अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा 20 into sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री एंड dr अपॉन dt कितना है 2 है। सो दिस इंप्लाइज dr अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा 20 into sec स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 3 के इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर कर देंगे 2 अपॉन रूट 3 होते हैं ना sec 30 डिग्री की वैल्यू, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 3 आ जाएगा इनटू में कितना है 2। तो दिस इंप्लाइज डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू आएगा 160 अपॉन में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से क्या होगी इंक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।